बच्चों आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम 12वीं कक्षा का आज गृह विज्ञान पढ़ रहे हैं। गृह विज्ञान में आज पढ़ रहे हैं इकाई 8 के अंतर्गत वस्त्र विज्ञान। इसमें हम पढ़ेंगे वस्त्रों का चयन, बुनाई के प्रकार, नील और कलर किस प्रकार कपड़ों में लगाना चाहिए, उसके विषय में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वस्त्रों का परिचय कि वस्त्र जो है हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न विभिन्न तरह से वस्त्र का उपयोग करते हैं। पहनने के लिए चादर, पर्दे, कपड़े, किचन में साफ सफाई के लिए बहुत से कपड़ों का हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। जैसे मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ कपड़ों का विकास होता जा रहा है, जो अभी निरंतर चालू भी है। और कपड़ा मानव की मूल आवश्यकता में से एक है, जो मौसम के अनुसार, देश प्रदेश की जलवायु के अनुसार विभिन्न प्रकार के कपड़ों का चलन हुआ है। हम मौसम के अनुसार ही कपड़ों का, वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। वर्तमान समय में स्त्री पुरुष के कपड़े अलग अलग तरह से बनाए जाते हैं। सिला हुआ कपड़ा कुशल दर्जी द्वारा तैयार करने पर पहनने वाले के व्यक्तित्व को सुंदर और आकर्षक बनाया जा सकता है। सिलाई में एक हस्तकला है। कपड़े की सूती रेशमी ऊनी धागों से बनते हैं और वर्तमान समय में कृत्रिम धातु तथा रसायनों से भी वस्त्र तैयार किए जाते हैं। यह कोई काम है, अतः कोई भी काम हो वह किसी सिद्धांत तथा नियम के अंतर्गत ही होते हैं और उनको निर्माण भी कुछ नियम और सिद्धांतों के आधार पर होते हैं और उसको उसी के नियम अनुसार ही किया जाता है। अब वस्त्रों का परिचय देखने के बाद अब आता है सिलाई और कटाई के सिद्धांत। वस्त्र तो ले आए हम, थान में ले आए, मीटर में, जितने हिसाब से हमारे वस्त्र बनना है, वस्त्र कैसे बनना है उस हिसाब से हम बाजार से कपड़ा तो खरीद लाए, लेकिन उसमें सिलाई और कटाई किस आधार पर की जाएगी अब हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहला है कि कपड़ा भिगोना क्यों ये जरूरी है। अगर कपड़ा सूती है, कॉटन का है, उसको पानी में भिगोना जरूरी है, जिससे कि उसमें जो ऊपर माड़ लगा होता है वह निकल जाएगा, तो कपड़ा कई बार क्या होता है, सिकुड़ जाता है। इसलिए कटाई करने के पहले कपड़े को भिगोना बहुत ही आवश्यक है। तो सिलाई से पहले कपड़ा पानी में भिगो लिया जाए, अन्यथा कपड़ा सिकुड़कर छोटा हो जाता है, बाद में पहनने वाले के लिए यह बेकार हो जाएगा। अगर कपड़ा नहीं भिगोएंगे और उससे कपड़े बनवा लिए, सिलवा लिए और जब उसको पहनने वाला एक बार पहनता है तो दोबारा धोता है तो वह सिकुड़ भी सकता है, तो वह कपड़ा बेकार हो जाता है। फिर फैशन के अनुसार होना चाहिए कपड़े कि तैयार कपड़ा करते समय अर्थात सिलाई कटाई करते समय फैशन का ध्यान रखना चाहिए। जो कपड़ा प्रचलन में है उसे ही फैशन के अनुसार सिलना चाहिए। फिर सही नाप की कटाई, तो कपड़े को काटते समय उसे सही उचित नाप के अनुसार ही काटना चाहिए, नहीं तो वस्त्र बहुत छोटा हो जाएगा या तो बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर पहनने वाले की रुचि, तो कपड़ा सही से पहले पहनने वाले की रुचि का पता लगाना आवश्यक होता है और उसी के अनुसार ही कपड़े पर कटिंग करके उसे सिला जाए तो अधिक उपयुक्त होगा। फिर किनारे सीधे करना,
कपड़ा काटने से पहले कपड़े की किनारे यदि कपड़े में सलमटी हो तो प्रेस द्वारा उन्हें दूर कर लेना चाहिए, नहीं तो आप जो कटिंग कर रहे हैं उसमें दिक्कत हो। क्या? क्योंकि सलमटिंग करते समय कटिंग या शेप बिगाड़ सकते हैं अगर किनारे ठीक से सीधे नहीं होंगे। फिर है चौक से निशान लगाना। कपड़े पर मिल्टन चौक से, कौन सी चौक? साधारण चौक नहीं, ये अलग चाक आती है, इसको मिल्टन चौक कहते हैं, जो टेलर लोग उपयोग करते हैं, टेलरिंग चौक भी कहते हैं इसको। तो मिल्टन चौक से निशान लगा लेना चाहिए, साथ ही इन निशानों को मिलाते जाना चाहिए जिससे ड्राफ्ट जल्दी बन जाता है। फिर है हाथ सधाओ। कपड़े काटते समय हाथ सधा हुआ होना चाहिए कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, तभी आप कपड़े को काटिए, जिससे कि अगर आपका हाथ सधा नहीं होगा तो जो कपड़े का ड्राफ्टिंग लाइन है उस पर कटिंग हो। यदि हाथ सधा हुआ नहीं है तो कपड़ा लाइन के अनुसार नहीं कट पाएगा, और जो ड्राफ्टिंग लाइन है उससे आधा तिरछा कुछ कपड़ा कटेगा। फिर है बच्चों के वस्त्र बने। बच्चों के कपड़े बनाते समय यह सावधानी रखना अनिवार्य है कि उन्हें थोड़ा बड़ा बना लो, जिससे बालक कुछ समय पहले पहन सके एवं फिर टाइट व कसे ना हो, क्योंकि बालक निरंतर बड़ा होता जाता है, विकास करता है, और अगर छोटे बालक हो तो उनको कपड़े पहनाने और काटने में परेशानी नहीं होगी। शांत वातावरण, वस्त्रों को काटते समय वातावरण शांत हो, और हो सकता है कि बातें काटते समय कपड़ा गलत कट जाने की भी संभावना रहती है, इसलिए कटिंग करते समय वहां पर शांत वातावरण करना आवश्यक है, नहीं तो कपड़ा गलत कट जाए या नाप कुछ बिगड़ जाने की संभावना हो सकती है। फिर कपड़े का रंग का धागा, जिस अगर सिलाई कर रहे हैं तो कपड़े के रंग का धागा भी उपयोग में लाना चाहिए। जिस रंग के कपड़े की सिलाई करनी है उसी रंग का धागा उपयोग में लाना चाहिए। भिन्न रंग का धागा वस्त्र की सुंदरता को खराब कर देता है। यदि रंगीन कपड़ा सफेद धागे को सिल दिया जाए तो सफेद धागा अलग उभर कर दिखाई देगा। कपड़ा सीधी तरफ से सिले। कपड़े की बुनाई उल्टे सीधी का ध्यान रखना जरूरी है। सीधी तरफ कपड़ा चमकदार एवं फिनिशिंग लिए हुए होता है, इसलिए कपड़ा सीधी तरफ से ही सिले। फिर है कपड़े की बात। कपड़े की दाब मशीन पर उचित प्रकार की होनी चाहिए, इससे सिलाई भरने या सिलाई ढीली पड़ने का डर नहीं होता। दाब ठीक न होने पर सिलाई जगह जगह सूखने की संभावना रहती है, ताकि एक सेर नहीं पड़ती। फिर एक अच्छी सिलाई। कपड़े को मशीन पर सिलने से पहले एक अच्छी सिलाई कर लेना चाहिए, इससे मशीन लगाते समय की बचत होती है और बार बार कपड़े को मिलाना नहीं पड़ता। कच्ची सिलाई आपको आगे की सिलाई में सहायक होती है। फिर है आवश्यक कुर्पन। तो वस्त्र की मशीन की सिलाई के अलावा कुछ स्थानों पर कुर्पन भी करनी होती है, क्योंकि हर जगह मशीन वस्त्र सुंदर नहीं दिखता है। जैसे आस्तीन में मोड़, स्कर्ट के नीचे, पैंट के नीचे आदि स्थानों पर कुर्पन सुंदर दिखती है। फिर चोर रखिया। रेशमी कपड़ों में चोर रखिया करनी चाहिए, अन्यथा कपड़ा सिलाई वाले स्थान से हटकर गुजर जाता है।
इसी प्रकार मधुमेह खिसकने से बचाने के लिए पेपर पैदल पेपर पर रखकर सिलाई करनी चाहिए। इस्त्री करना या प्रेस करना, सिलाई करते समय जरूरत के समय कपड़ों पर प्रेस करना चाहिए। ऊनी पैंट कोट आदि सिलते समय इस्त्री करना जरूरी रहता है। अब हम उसी में आगे देखेंगे। अभी हमने देखा कि नाप लेते समय, कटिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिर अब है नाप लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला है कि जिसका वस्त्र सिलना है उसी व्यक्ति का ही नाप लेना चाहिए। ऐसा ना हो वस्त्र किसी छोटे का सिलना है, नाप बड़े का लिया जाए तो वस्त्र कपड़ा खराब हो जाए। तो जिसका भी वस्त्र सिलना है उसी का नाप लेना चाहिए। जिसे वस्त्र पहनना है उसकी पसंद और नापसंद का ध्यान रखकर ही वस्त्र की किसी वस्त्र का नाप लेना चाहिए कि उस व्यक्ति को फिटिंग ढीली चाहिए, टाइट चाहिए, कैसी चाहिए, उस हिसाब से वस्त्र का नाप लेना चाहिए। नाप लेकर तुरंत डायरी में लिख लेना चाहिए। टेप या फीता को बाएं हाथ से पकड़े दाएं हाथ से नाप लें तथा फीता में कोई भी बोल या बल नहीं पड़ना चाहिए। नाप लेने वाले व्यक्ति को स्वाभाविक स्थिति में खड़ा करें। अधिक सीना फुलाने या झुकाने से सीने के नाप में अंतर आ जाए। फिर शरीर के भिन्न भिन्न अंगों का नाप अलग अलग लें। नाप लेने वाले व्यक्ति के शरीर पर से मोटा वस्त्र जैसे कोट या स्वेटर, जैकेट या शॉल हो तो उसको उतार कर भी नाप लेने वाला व्यक्ति दाहिनी ओर खड़ा होकर नाप ले। शरीर की गोलाकार नाप लेते समय टेप या फीता कसकर नहीं पकड़ना चाहिए। और अब हम देखेंगे कि नाप लेते समय कौन कौन सी सावधानियां हैं या हमको उनका ध्यान रखना चाहिए। जैसा ये है पहला तीरे का नाप। तो आप ये देख रहे हैं तीरे का नाप ये किस स्थिति में लेना चाहिए, नाप लेने वाले व्यक्ति को कैसे खड़ा होना चाहिए। फिर ये है लंबाई का नाप। तो लंबाई के नाप में ये देखिए टेप है कि कितना लंबा चाहिए कितना नहीं चाहिए आपको, तो ये इस हिसाब से लंबाई का नाप लेना चाहिए। ये एक है, ये इसमें आस्तीन की लंबाई का नाप, कितना लंबा आपको आस्तीन चाहिए। फिर एक नाप लेते समय इंची टेप कहाँ से उपयोग करें, जहाँ से गिनती शुरू होती है, मतलब कि इंची टेप सीधा पकड़े 1 2 3 4 उसी के हिसाब से नाप लेनी चाहिए। फिर नाप क्रम से लेना चाहिए, पहले लंबाई, सीना, कमर, तीरा, आस्तीन, गला एवं पूरी लंबाई का नाप लेना चाहिए। ये नाप भी क्रम अनुसार ही लेना चाहिए, ऐसा नहीं है कि पहले गला का ले लिया फिर तीरा का लिया फिर लंबाई का लिया, तो ये भी एक क्रम अनुसार नाप लेना चाहिए।